एनिमल किंगडम में यूं तो एक से बढ़कर एक खूंखार शिकारी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब बात हाइना के हमले की होती है तो फिर हर कोई कम ही नजर आता है। क्योंकि जहां जंगल के दूसरे शिकारी जानवर अपने शिकार को मारकर उसे खाना पसंद करते हैं, वही ये हैवान अपने शिकार को जिंदा ही नोचकर खाने में भरोसा रखते हैं। इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका शिकार कोई बड़ा जानवर है या फिर कोई छोटा बच्चा है, इसे तो बस अपने पेट भरने से मतलब होता है। तो आज की वीडियो में हाइना के कुछ खतरनाक हमले दिखाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब जरा इस वीडियो को देखो, कैसे एक शातिर लकड़बग्गा विल्डरबीस्ट के झुंड पर हमला बोल देता है, जिसमें से एक विल्डरबीस्ट का बच्चा उस क्रूर लकड़बग्गे का शिकार बन जाता है, जिसने उसे पकड़ने के बाद तुरंत उसे नोचना और फाड़ना शुरू कर देता है, जिसमें बदकिस्मती से यह विल्डरबीस्ट का बच्चा हार जाता है और यह लकड़बग्गा उसे नोचने लगता है। विल्डरबीस्ट को पकड़ने के बाद उसकी पूरी तरह से हिम्मत को तोड़ देता है और लकड़बग्गा अपने मुंह में जो आया उसे नोचकर खाने लगता है। अब जरा इन तीन लकड़बग्गे को देखो, कैसे एक मजबूत और वयस्क जंगली विल्डरबीस्ट को पकड़ने में सक्षम रहते हैं। लकड़बग्गे अपने शिकार को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं कि शिकारी भाग नहीं पाता, और लकड़बग्गे भी जानते थे कि अगर अपनी भूख मिटानी है तो इसे मारना ही पड़ेगा। ये शातिर लकड़बग्गे का दांत इतना नुकीला होता है कि यह किसी भी जीव की हड्डियों को कुचल सकता है, जिसमें यह विल्डरबीस्ट भागने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। अब जरा इस विल्डरबीस्ट को देखो, अब यह कभी खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिसके कारण इसकी मौत निश्चित है। जिसके बाद वहां लकड़बग्गे आ जाते हैं, जिसके बाद ये विल्डरबीस्ट की जीने की उम्मीद तभी खत्म हो जाती है। जब किसी भी शिकारी की नज़र विल्डरबीस्ट के बच्चे पर पड़ती है, तब आमतौर पर माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए लड़ती है, लेकिन ये कभी कभार ये हार भी जाती है और नाकामयाब भी रहती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अपने छोटे बच्चे की रक्षा के लिए वो खुद लड़ पड़ती है और वो लड़ने में नाकामयाब रहती है और खुद की जान खतरे में डाल देती है। अब जरा इस भैंसे को देखो, शायद ये कठिन परिस्थिति में फंस गया है। ये कीचड़ में इस तरह से फंस गया है कि ये हिलने में भी नाकामयाब रहता है, जिसके कारण वो कोई भी शिकारी का शिकार आसानी से बन जाता है। इतने में वहाँ एक लकड़बग्गा आ जाता है। यदि ये भैंसा भूख और प्यास से नहीं मरा तो ये शिकारी से भी मारा जाता है। आज इस लकड़बग्गे के लिए ये भाग्यशाली दिन था, क्योंकि इस लकड़बग्गे को इस भैंसे की पीठ को नोचना शुरू कर देता है और उस पर हमला करके उसे मारने लगता है। ये लकड़बग्गे इतने खतरनाक होते हैं कि इसका अंदाजा आप इसके खून से सने हुए मुंह से ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नए अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।